हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश है, मज़े में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। तो बस हम लोग आए थे बुलीवर्ड वर्ल्ड, और जहाँ घूम घूम के हम लोग थक गए थे, और हमने फिर सोचा कि हम इसे फूड कोर्ट में कुछ खा लेते हैं। बहुत भूख लग रही थी। अच्छा, दो मेरी पहले जब हम पूरा घूम रहे थे उसकी वीडियो अलग थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, तो मैंने टू पार्ट्स में कर दी थी। तो ये जो है ये फूड कोर्ट की साइड है, और मैंने सोचा कि चलो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या है, कुछ स्पेशल भी है या फिर ऐसे ये सारी ब्रांड की जितना भी है वो ही हैं। तो बस हमने देखा यहाँ पे बहुत मल्टी वैरायटीज थी फूड की, तो हमने सोचा कि कुछ हम अलग ट्राई करेंगे। तो पहले पहले हम लोगों ने सर्च किया कि क्या पहले तो सर्च क्या करें, पहले तो सीट हम लोगों ने ढूंढी, क्योंकि पता है कोई सीट नहीं थी, पूरा इतना क्राउड था। ये देखिए ऊपर वाला एरिया ना, ये पूरा सिटिंग एरिया था, ऊपर का एरिया भी पूरा सिटिंग एरिया था। तो हम बच्चे थे, हमारे साथ स्ट्रॉलर वगैरह था, तो हम लोग ऊपर नहीं गए, हम लोग नीचे ही वेट कर रहे थे कि हम लोग नीचे ही बैठेंगे। उसके बाद जो है फिर हम सीट ढूंढने लगे, तो सीट फाइनली मिल गई थी। मतलब एक सीट हम लोग, एक फैमिली थी उनका फिनिश होने वाला था, वहाँ खड़े हो गए, और ऐसा ही हो रहा था कि एक फैमिली थी उसका हम लोग खड़े, तो हमारे के सबका यही हो रहा था कि वो खड़े हुए हैं और फिर दूसरा बंदा वेट कर रहा था, उनका फिनिश हो जा रहा था, फिर वो, क्योंकि इतना क्राउड था। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, ये पूरा मतलब सब लोग ऊपर भी बैठे हुए थे, इतना मतलब वो था क्राउड। तो फिर हम लोगों ने ये देखिए, हमने डिसाइड किया हम तंदूरी खान का कुछ ट्राई करते हैं, और सीरियसली बहुत अच्छा था ये। तो फिर बस मैंने बिरयानी और शॉर्मा वगैरह ऑर्डर किया, और बच्चों से पूछा वो क्या खाएंगे, तो उनका ऑर्डर करके आ गई थी, उन्होंने बोला हम नगेट्स खाएंगे। तो मैं उन लोगों का क्रूज़ में नगेट्स का मैं ऑर्डर दे के आ गई थी। बिरयानी मेरे हस्बैंड ने बोला गरम गरम हो रही है, चलो इसे हम लोग खा लेते हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। तो बस हम लोगों ने फिर निकाली बिरयानी, और मेरे छोटे बेटे को भी बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि बच्चे भी मतलब थक जाते हैं ना। मतलब एक होता है कि घर में तो कभी कुछ, बट बाहर भी मतलब बच्चों को, जबकि हम कभी जो भी बच्चे मांग रहे थे हम लोग वो दे दे रहे थे, बट वही बच्चों को तो ज़्यादा भूख लगती है ना, क्योंकि बच्चे। और पता है ये जो सीरियसली स्मूदी थी ये तो बहुत टेस्टी थी, बहुत अच्छी। बिरयानी भी मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, और मैंने ट्राई किया, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं सऊदी अरब से, रियाद से, जहाँ से भी, जुबैल से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, कभी जाएँ तो पता है आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, मतलब अगर वो कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, और आपको बहुत पसंद आएगा तंदूरी खान। अच्छा, मैंने जो था नॉर्मल वाला ज़्यादा स्पाइसी नहीं लिया था, बट इसका स्पाइसी भी बहुत टेस्टी था, क्योंकि बच्चों की वजह से ज़्यादा स्पाइसी नहीं लिया था, कि बच्चे दो चार बाइट्स तो ले ही लेते हैं। और इसका शॉर्मा भी बहुत अच्छा था, मतलब शॉर्मा में भी ना तंदूरी फ्लेवर आ रहा था, मतलब समझ रहे, और इसकी स्मूदी भी, और ये तो मुझे मतलब बहुत औसम लगी, बहुत मज़ा आया। मैं सारी पी गई, अपने हस्बैंड के लिए थोड़ी सी बचाई, क्योंकि बहुत अच्छा मतलब लग रहा था इसे मतलब पी के। और बिरयानी का भी सीरियसली बहुत, और देखिए फिर मैं गई उनकी तंदूरी खान के स्टॉल पर, मैंने बोला कि मैं रिव्यू एक आपको दे देती हूँ, और सीरियसली आप लोग भी आएंगे तो ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भैया से बोला बहुत अच्छा लगा, भैया भी खुश होगा कि आप यूट्यूब पर डालेंगे, अच्छा अच्छा मैडम अच्छी बात है। तो मतलब मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर डालूंगी, क्योंकि मेरी जितनी भी YouTube फैमिली है वो लोगों को मतलब इसका रिव्यू दूंगी, और वो लोग जब भी आएंगे बुलीवर वर्ल्ड और ये ट्राई करेंगे, और आप ट्राई करें आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बस हम लोगों ने खाना खाया, इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, और बस। और मैं आपसे क्या बोलूँ कि आप आइए इंजॉय कीजिए, क्योंकि KFC मतलब बहुत सारी वैरायटी, आप बाहर भी कभी जाते हैं मॉल वॉल सब जगह, बट ये तंदूरी खाना आप ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।